टॉर्पिडो अपने टारगेट को पानी के अंदर कैसे ढूंढता है। इस काम के लिए दो तरह के टॉर्पिडो इस्तेमाल किए जाते हैं, एक वो जो पानी में चलते हुए किसी जहाज या सबमरीन की आवाज को सुनकर उसका पीछा करते हैं। और ये आवाज कहाँ से आ रही होगी? ये आ रही होगी उस सबमरीन या जहाज के प्रोपेलर या इंजन रूम से। इसी आवाज को कम करने के लिए सबमरीन के चारों तरफ मोटी रबर की परत लगाई जाती है। एक टॉर्पिडो और सबमरीन में चूहे बिल्ली का खेल चलता है। अगर सबमरीन पकड़ी गई तो समझो गई, मतलब बिल्कुल गई, डूब गई, और अगर बच गई तो टॉर्पिडो गया। यहाँ पर एक और जरूरी बात, अगर सबमरीन पानी के अंदर बहुत धीरे चल रही है या बहुत गहराई पर चल रही है तो उनके इंजन से आने वाली ध्वनि बहुत ही धीमी होगी, जिसे टॉर्पिडो शायद डिटेक्ट ना कर पाए। एक सबमरीन अपनी तरफ आते हुए टॉर्पिडो से अपने आप को कैसे बचाएगी? इससे जुड़ी हुई फुल वीडियो का लिंक है कमेंट बॉक्स में।